गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन आज की भी ये रहने वाली है। बॉमफार्ट स्टीवेंज रिएक्शन फॉर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन। इससे प्रीवियस हमने सेपारो रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी, आज हम बॉमफार्ट रिएक्शन में स्टडी करेंगे। और सेपारो एंड बॉमफार्ट स्टीवेंज रिएक्शन के अंदर सम माइनर डिफरेंस देखेंगे और प्रोडक्ट की सेलेक्टिविटी भी हम चेक करेंगे। देखिए, बॉमफार्ट स्टीवेंज रिएक्शन में जो स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास रहता है वो क्या रहता है, कीटोन एंड एल्डिहाइड, सेम लाइक सेपारो रिएक्शन। सेकेंड स्टेप हमें यहाँ पर भी टॉसिल हाइड्रोजन यूज में लेना पड़ता है, जो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ मिल करके इमाइन बॉन्ड क्रिएट करता है। थर्ड स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप देखिए, जहाँ पे हम एल्कोक्साइड बेस यूज में लेते हैं, क्या यूज में लेते हैं, एल्कोक्साइड बेस। जबकि सेपारो रिएक्शन के अंदर हम क्या यूज में लेते थे, सेपारो की बात करें, सेपारो रिएक्शन के अंदर हम थर्ड स्टेप में यूज में लेते थे, वहां पे जो थर्ड स्टेप होता था वन टू वो रहता था आपका लिथिएटेड बेस, लिथिएटेड बेस। ओके, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता था वो बनता था लेस सबस्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड, हमारे पास प्रोडक्ट देखने को मिलता था। बट हम बॉमफार्ट स्टीवेंज के अंदर कौन सा बेस यूज में लेते हैं, हम यूज में लेते हैं एल्कोक्साइड बेस, और हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा मोर सबस्टिट्यूटेड साइड, देख लीजिए मोर सबस्टिट्यूटेड साइड आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से दिस वन। ओके, जबकि सेपारो रिएक्शन के अंदर आपको जो डबल बॉन्ड देखने को मिलता है वो लेस सबस्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये आपकी मेजर डिफरेंस रहता है स्टेप थर्ड में, बेस का डिफरेंस रहता है, आपके पास बेस चेंज हो जाता है। फिर आपके पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो भी डिफरेंस रहता है। सेपारो रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट आपका कौन सा फॉर्म होता है, कार्बेनियन, कार्बेनियन। बट आपके पास जो स्टीवेंज बॉमफार्ट स्टीवेंज रिएक्शन है उसके अंदर जो इंटरमीडिएट आपके पास फॉर्म होगा आफ्टर बेस वह रहेगा आपके पास कार्बिन। ओके, क्या फॉर्म होगा, कार्बिन फॉर्म होता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है जो इनकमिंग क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको हाईलाइट करूंगा, देख लेते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल, कीटोन है, ये एक नंबर कार्बन है जिसके ऊपर डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है, ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। दिस वन पहले स्टेप में हमने क्या लिया, टॉसिल हाइड्रोजन, टर्मिनल नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो वन नंबर कार्बन पे अटैक करेंगे, अटैक करवा दीजिए, एंड फिर आप सॉरी और फिर आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन आपके पास देखने को मिलेगा, इमाइन बॉन्ड देखने को मिलेगा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका मैकेनिज्म देख लिया था। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो यहां पे लिख देते इमाइन बॉन्ड, ये जो आपके पास बॉन्ड रहेगा ये क्या कहलाएगा, इमाइन, इमाइन बॉन्ड। ओके, अब हम सेकंड स्टेप में कौन सा बेस यूज कर रहे हैं, ये देखिए सोडियम इथोक्साइड बॉन्ड, यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कि हम कोई एल्कोक्साइड बेस यूज में ले रहे हैं। एल्कोक्साइड बेस क्या करते हैं, लेस सबस्टिट्यूटेड साइड से भी प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मोर सबस्टिट्यूटेड साइड से भी प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इनका प्रेफरेंस रहता है मोर सबस्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना। पहला प्रोटॉन कौन सा एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो मोर एसिडिक होगा, तो मोर एसिडिक प्रोटॉन फर्स्ट कौन है, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच प्रोटॉन जिसे मैंने ग्रीन हाईलाइट किया, और सेकेंड प्रोटॉन जो मोर सबस्टिट्यूटेड साइड है उसे मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से, सॉरी ये दो एच जो आपके पास है यहाँ पे, दिस इज वन नंबर कार्बन, दिस इज टू नंबर कार्बन, तो टू नंबर कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन्स है जिसे मैंने हाईलाइट किया ग्रीन से, ठीक है, उसको ये एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी मोर सबस्टिट्यूटेड साइड से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए पहला प्रोटॉन नाइट्रोजन से इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास क्या आया, ये आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो ये कैसे कहां पर अटैक करेगा, ये आपका यहां अटैक करेगा। ओके, इससे क्या होगा, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड ओपन एंड आपके पास कार्बन के ऊपर ये बॉन्ड आपका शिफ्ट, कार्बन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, अब आपके पास जो अटैक होगा वो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के ऊपर, और इससे आपका टी एस जो है वो गेट एलिमिनेट। ठीक, देखिए नाइट्रोजन कार्बन जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे वो तो चले गए, इसको मैंने नाम दे दिया वन नंबर कार्बन, यानी वन नंबर कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन साथ में चले गए, तो इससे क्या हुआ, वन नंबर कार्बन पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में बचते हैं,
ओके, तो ये देखिए N2 गुड लिविंग ग्रुप है, वो एलिमिनेट हो गया। TS टॉसिल आपका यहां से एलिमिनेट हो गया। तो अब कार्बन नंबर वन के ऊपर क्या बचे, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को यहां पे मिलते हैं। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, कार्बन इंटरमीडिएट है। कौन सा, ये कार्बन इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कार्बन। ओके ठीक है, अब कार्बन इंटरमीडिएट की मैंने आपको पूरी एक सीरीज हमने अपलोड किए प्रीवियस लेक्चर के, यानी कि प्रीवियस टाइम के अंदर ही हमने कार्बन इंटरमीडिएट से रिलेटेड जो भी रिएक्शन है वो हमने अपलोड किए। तो उसमें एक था कंसेप्ट इंसर्शन ऑफ कार्बन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए कार्बन वन नंबर कार्बन पे कार्बन बनता है तो इसके मोर सबस्टिट्यूटेड साइड वाले साइड में चले जाए, तो लेफ्ट साइड में जाइए तो लेफ्ट साइड में जो दो नंबर का कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कार्बन रहता है वो लाइक टर्शियरी कार्बन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ये कहां पे इंसर्शन शो करेगा, सेकंड नंबर कार्बन के हाइड्रोजन के साथ इंसर्शन शो करेगा। ओके, टर्मिनल कार्बन से या जो आपका राइट साइड में कार्बन है उसके हाइड्रोजन के साथ इंसर्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट याद रखने वाला पॉइंट हमारे पास रहता है ड्यू टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसकी सेकेंड कार्बन के लिए ज्यादा रहती है, इसलिए ये इनर जो कार्बन है आपका टू नंबर कार्बन उसके हाइड्रोजन के साथ ये इंसर्शन शो करता है। तो अब देखिए टू नंबर एंड हाइड्रोजन के बीच में कार्बन का इंसर्शन हुआ तो आपका टू एंड वन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन आपका वन नंबर कार्बन पे जाकर शिफ्ट हो जाता है। तो जस्ट ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे वन नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन भी ले सकते हो आप। ठीक, तो देखिए हुआ क्या, आपका ये वन नंबर या आपका टू नंबर क्या देखने को मिला, डबल बॉन्ड देखने को मिला। हाईलाइट कर देता हूं मैं येलो से, और ये कैसे डबल बॉन्ड है, ये आपका मोर सब इंस्टीट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड आपको देखने को मिला। ठीक है, अगर ये डबल बॉन्ड टर्मिनल पे होता तो लेस सब इंस्टीट्यूटेड साइड होता। अभी क्या है, वन एंड टू सब इंस्टीट्यूटेड, यानी टू के ऊपर भी सब इंस्टीट्यूएंट लगा हुआ, वन पे भी सब इंस्टीट्यूएंट लगा हुआ, तो इसे कहेंगे मोर सब इंस्टीट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड। ये आपका बन गया प्रोडक्ट। तो देखिए सेपारो अगर रिएक्शन होती, अगर हम लिथिएटेड बेस यूज में लेते तो आपको जो डबल बॉन्ड दिखता वो टर्मिनल पे दिखता, लेफ्ट सब इंस्टीट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड दिखता। बट हमने एल्कोक्साइड बेस यूज में लिया है तो हमें मोर सब इंस्टीट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड या इंटरनल डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, पहली चीज। दूसरा, इसके अंदर इंटरमीडिएट अलग होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसमें कार्बन बनता है। सेकंड चीज, बेस इसके अंदर अलग होता है, बेस हम लेते हैं एल्कोक्साइड बेस, यहाँ पे हम यूज में लेते हैं। ये सारे पॉइंट हमें याद रखना है। अगर आरओ के ऊपर ये कंडीशन दे रखे तो हम शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली मोर सब इंस्टीट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल है जिसे हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, हम अप्लाई करते हैं शॉर्ट ट्रिक। ओके, ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, ये सपोज ये कार्बन वन है आपके पास, और इसके राइट साइड में मोर सब इंस्टीट्यूटेड साइड है क्योंकि ये आपका जो कार्बन है उसके साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मैं इसे नाम देता हूँ, दिस इज टू नंबर, दिस थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। जबकि लेफ्ट साइड के अंदर अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में कार्बन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दे रखा है। अब देखिए पहला स्टेप हम ले रहे हैं टॉसिल हाइड्रोजन, सेकेंड स्टेप जो बेस है हम ले रहे हैं सोडियम इथोक्साइड, यानी एल्कोक्साइड बेस हम यूज में ले रहे हैं। तो कौन सा रिएक्शन हो गया, ये बोमफॉर्ड स्टीवेंस रिएक्शन हो गया, यानी कि हमारे दिमाग में आ गया कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड आपको डबल बॉन्ड देने वाला है। और थर्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या ले रहे हैं, H3O+ यानी H+ इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं, तो हमारे पास 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड और 1 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल H, तो ये हमारे पास आ गया, हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड, और ये है हमारे पास मोर सब इंस्टीट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड। ये आप दे दीजिए इसे 1 नंबर एंड 2 नंबर। ओके, इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट हम जो एग्जांपल है, दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल। अब यहां पे देखिए क्या दिक्कत है, ये आपका वन नंबर कार्बन, दिस इज टू नंबर कार्बन, थ्री फोर फाइव सिक्स। अब टू नंबर के ऊपर दो सबस्टिट्यूएंट एल्किल ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है, टू को ध्यान से देखिए, दो सबस्टिट्यूएंट पहले से दे रखे हैं, और यहां पे जो कार्बन है टू नंबर का वो फोर वैलेंसी इसकी फुलफिल है, कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है टू नंबर पे, नो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन सेकेंड नंबर कार्बन। मैं यहां पर लिखता हूं नो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन सेकेंड नंबर कार्बन। ओके, तो जो आप बेस
यूज में लोगे तो सेकंड नंबर के ऊपर कोई प्रोटॉन ही प्रेजेंट नहीं, तो वहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो वन एंड टू के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया। तो अब यहाँ पे मोर सब डिस्ट्रिक्टेड साइड में डबल बॉन्ड बनाना नहीं है, जहां से प्रोटॉन पिकअप होगा वहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो अब सिक्स नंबर का जो कार्बन है वहां पर आपके पास दो प्रोटॉन है, दिस इज, तो यहां से एक प्रोटॉन आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा और वन एंड सिक्स के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो लास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, एल्डिहाइड। तो इलेक्ट्रोफाइल कैचअप क्या कराएंगे, वन नंबर पोजिशन के साथ एल्डिहाइड आपको कैच कराना पड़ेगा। तो देखिए दिस वन जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर मतलब जो वन नंबर कार्बन पे, दिस इज वन नंबर, दिस इज टू नंबर, वन नंबर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओपन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज H3O+ से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपके पास दिस बन जाएगा, ओके, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल सेम रहता है, स्टार्टिंग मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से ड्रो कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दो सबस्टेंट, ये आपका कीटोन, ओके, नेम देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब पहला स्टेप टॉसिल हाइड्रोजन है, सेकेंड स्टेप ट्राइब्यूटॉक्सी पोटेशियम है या पोटेशियम ट्राइब्यूटॉक्साइड है यानी कि एल्कोक्साइड बेस है, एंड थर्ड स्टेप आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास H3O+ है यानी कि H+ इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास रहने वाला है। तो वन एंड सिक्स के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा, ये वन एंड सिक्स, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो लेस सब इंस्टीट्यूटेड साइड बन रहा है। क्यों? क्योंकि मोर सब इंस्टीट्यूटेड साइड में कोई प्रोटॉन सेकंड नंबर के कार्बन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपका जो डबल बॉन्ड है वो लेफ्ट साइड में क्रिएट हो रहा है, ओके। तो ये आपके पास रहेगा प्रोडक्ट। इसी टाइप से अगर आप ये दोनों ही केस आपके सेम है, आपने पहले स्टेप में वहां पर क्या लिया है, टॉसिल हाइड्रोजन, सेकंड स्टेप में पोटेशियम ट्राइब्यूटॉक्साइड एंड थर्ड स्टेप में H3O+, तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट आएगा सेम आएगा लाइक इसकी तरह, ओके, ये हमारे पास रह गया प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन ओवरऑल किसके ऊपर था, हमने इस रिएक्शन के अंदर स्टडी की बोहमफॉर्ड स्टीवेंज रिएक्शन फॉर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये शॉर्ट ट्रिक भी हमने इसके अंदर स्टडी कर ली, रिएक्शन मैकेनिज्म में देख लिया, इसका हमने कंपैरिजन में कर लिया कि सेपरेट रिएक्शन से किस टाइप से डिफरेंस होता है। बेस का डिफरेंस होता है, अगर हम लिथिएटेड बेस यूज करते हैं सेकेंड स्टेप में तो हमारे पास बनेगा लेस सब इंस्टीट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड या टर्मिनल डबल बॉन्ड बनेगा, अगर हम एल्कोक्साइड बेस यूज कर रहे हैं तो मोर सब इंस्टीट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड बनेगा। दोनों में आपके पास जो इंटरमीडिएट होते हैं अलग होता है, सेपारो के अंदर बनता है कार्बन इंटरमीडिएट जबकि बोमफॉर स्टीवेंज में बनता है कार्बन इंटरमीडिएट। ये कुछ एक पॉइंट है जिससे आपको याद रखना है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।